अनामिका की एक कविता है, पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। अब इस समय बाहर को रोना और अंदर बीवी का रोना, ऐसे में हम पति क्या कह सकते हैं, आप वो सुनिएगा। कि बाहर है तलवार ओ भीतर तेज धार की छुरी है, बाहर है तलवार भीतर तेज धार की छुरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, सुबह से उठकर रात तलक इनकी चींची हम झेल रहे, सुबह उठो तो इनका चेहरा, रात में सो तो इनका चेहरा, सपने में भी नहीं छोड़ती। तब पंक्तियां देता हूं कि सुबह से उठकर रात तलक उनकी चींची हम झेल रहे, खरी खरी सुनकर बेबस हैं चाहे थोड़ा मेल रहे, पीकर विष कर रहे प्रदर्शन, पीकर विष कर रहे प्रदर्शन, जो पीली अंगूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, घर बैठे हैं नौकर चाकर कोरोना की छुट्टी में, कोई नहीं आ रहा, ना काम वाली आ रही, ना झाड़ू बर्तन वाली आ रही, ना खाना बनाने वाली आ रही, कोई नहीं आ रहा, कौन बचा वो बात बोलता हूँ। कि घर बैठे हैं नौकर चाकर कोरोना की छुट्टी में, बस पति ही तो बचा शेष ग्रह लक्ष्मी जी की मुट्ठी में, बस पति ही तो बचा शेष ग्रह लक्ष्मी जी की मुट्ठी में, धोके निबटा हूँ बर्तन, धोके निबटा हूँ बर्तन, अब झाड़ू बची अधूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी। और इसका आखिरी बंद देता हूं, जो हंसी था मुखड़ा अब वो सूजा हुआ थो बड़ा दिखता है। प्रेम विवाह किया था, मुझे क्या पता था कि ये बाद में सिर्फ विवाह बचेगा, और प्रेम की क्या स्थिति है वो तो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। कि जो हंसी था मुखड़ा अब वो सूजा हुआ थो बड़ा दिखता है, हर एक प्रियंका चोपड़ा में अब प्रेम चोपड़ा दिखता है, वो ठेकेदार हैं और अपने हिस्से केवल मजदूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है, पत्नी के संग घर में रहना पतियों की मजबूरी है। एंजॉय कीजिए, दीज डेज आर फॉर सेफ्टी ओनली। ओके, बाय बाय।